हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स देखो में। दोस्तों, साल 2008 में भारतीय टीम मलेशिया गई थी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने। तब टीम इंडिया की कमान विराट कोहली के हाथों में थी और टीम इंडिया ने वहां पर अपना झंडा भी गाड़ा और वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि 2008 में चैंपियन टीम में विराट कोहली के जो साथी खिलाड़ी थे वे अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। सबसे पहले बात स्वयं विराट कोहली की ही कर लेते हैं। 2008 में ही वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने बता दिया था कि वे क्रिकेट के बादशाह हैं। दोस्तों, लौटते ही आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया और अगस्त में वे भारतीय टीम में भी आ गए थे। फिर उन्होंने अपना जबरदस्त खेल दिखाया जिससे उन्होंने अपनी जगह भी पक्की कर ली और 2011 के वर्ल्ड कप में भी अपने आप को खेलने का मौका दिलाया और अब वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में टीम लगातार शानदार प्रदर्शन भी कर रही है। खुद 50 से ज्यादा सेंचुरी लगा चुके हैं विराट कोहली और उनकी गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में भी हुआ करती है। अब चलिए अपने अगले नाम पर बढ़ते हैं। हमारा अगला नाम है रविंद्र जडेजा। दोस्तों, 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले रविंद्र जडेजा 2006 की टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं जिसमें भारतीय टीम को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2008 में उन्होंने फिर टीम में जगह बनाई और वो भारत के लिए टूर्नामेंट खेलने में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बने। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने टीम को चैंपियन बनाने के साथ साथ खूब मदद भी दिलाई। 2008 में आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा भी बने और राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी चैंपियन बनाया। और साथ ही दोस्तों, 2009 में उन्होंने T20 में अपनी जगह भी बना ली, मगर उन्होंने अपनी छाप 2011 में असली तरीके से छोड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में टीम में काफी लाजवाब प्रदर्शन भी करने को मिल रहा था और वे कर भी रहे थे। उनकी और अश्विन की जोड़ी भी काफी सुपरहिट मानी जा रही थी। हमारा अगला नाम है मनीष पांडे। दोस्तों, भारतीय टीम के मनीष पांडे पहली बार सबकी नजरों में 2009 में आए जब वे आईपीएल में सेंचुरी मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। दोस्तों, आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी लाजवाब रहता है। घरेलू क्रिकेट में भी कर्नाटक के लिए वे टॉप फॉर्मेट में रहे हैं। दोस्तों, जिसकी बदौलत कर्नाटक ने लगातार दो साल 2013-14 और 14-15 में रणजी ट्रॉफी भी जीती और साथ ही मनीष पांडे भारतीय टीम के इंडिया ए टीम के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भारतीय टीम के 2015-16 में वनडे टीम का भी हिस्सा बनने का मौका मिला था। हालांकि पांडे जी आजकल थोड़ा इन आउट भी रह रहे हैं भारतीय टीम में। हमारा चौथा नाम है सौरभ तिवारी। दोस्तों, ये लड़का जब मैदान पर पहली बार देखने को मिला था तो लोगों ने सोचा कि ये धोनी आ गया है, लेकिन इसकी वजह यह भी थी कि इनके बाल काफी लंबे थे और लोगों को लगा कि यह धोनी है। हालांकि धोनी की तरह बाल रखने से हर कोई धोनी नहीं हो जाता। सौरभ सबकी नजरों में 2010 में आए जब वे मुंबई के लिए खेलते हुए लाजवाब पारी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और टीम को फाइनल में भी पहुंचाया, जिसके चलते उन्हें 2010 में टीम इंडिया में भी जगह मिली थी और उन्होंने 3 वनडे मैच भी खेले थे, मगर कुछ खास कारनामा नहीं कर पाने के बदौलत उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया और वापसी का कभी मौका नहीं मिला। दोस्तों, हालांकि घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं सौरभ तिवारी और उनका 47 का भी एवरेज रहता है। हमारा अगला नाम है सिद्धार्थ कौल। दोस्तों, फास्ट बॉलर सिद्धार्थ कौल को अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद पंजाब की घरेलू टीम में भी खेलने का मौका मिला और वे अपनी टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन कर भी रहे हैं। साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी उन्होंने टीम इंडिया में जगह भी बनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद में काफी अच्छी रकम देकर खरीदा भी था। हालांकि दोस्तों, घरेलू क्रिकेट में उनकी गिनती सबसे बेहतरीन बॉलरों में होती है, लेकिन वे टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाए और वे आज घरेलू क्रिकेट तक ही सीमित रह गए हैं। अब चलिए बात करते हैं अभिनव मुकुंद की। दोस्तों, अभिनव की गिनती घरेलू क्रिकेट में सबसे धाकड़ ओपनर में हुआ करती है। 2008 के वर्ल्ड कप में हालांकि वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन मगर रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी मार कर वे सेलेक्टरों की नजर में आ गए थे। आपको बता दें कि उन्हें तुरंत टीम इंडिया में भी जगह मिल गई थी। साल 2011 में कोहली के साथ ही उन्हें टेस्ट क्रिकेट में खेलने का भी मौका मिला और हालांकि 5 टेस्ट मैचों के बाद ही वे बाहर कर दिए गए और जिसके बाद उन्हें साल 2017 में टीम में आने का मौका मिला, वो भी मुरली विजय और केएल राहुल के चोटिल होने पर। और इनकी गिनती भारत के आम टेस्ट खिलाड़ियों में हुआ करती थी और साथ ही दोस्तों, ये T20 क्रिकेट में भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए थे। हमारा अगला नाम है तन्मय श्रीवास्तव। दोस्तों, 2008 के वर्ल्ड कप में तन्मय सबसे बड़े बल्लेबाज बनकर उभरे थे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन तन्मय के ही बल्ले से बनाए हुए थे। हालांकि दोस्तों, उस वक्त इस खिलाड़ी की गूंज पूरे देश में हुआ करती थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान तन्मय ने सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग भी की थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत उत्तर प्रदेश की टीम में जगह भी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने खेल का काफी लाजवाब प्रदर्शन भी दिखाया। साल 2016 के बाद हालांकि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं,
हैं। इसके साथ ही आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। हमारा अगला नाम है इकबाल अब्दुल्ला। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला मुंबई के लिए भी खेल चुके हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूरी टीम का साथ दिया था और 10 विकेट भी लिए थे पूरे सीरीज में। हालांकि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद भी वे घरेलू क्रिकेट खेलते हुए बढ़िया प्रदर्शन करते थे और 2011 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा रहते हुए काफी लाजवाब परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी है। चर्चाएं भी हो रही थी कि उन्हें टीम इंडिया में मौका भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2016-17 के बाद वे मुंबई को छोड़कर केरल में शिफ्ट हो गए और केरल के लिए घरेलू क्रिकेट खेला करते हैं। दोस्तों हमारा अगला नाम है श्रीवत्स गोस्वामी। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई खिलाड़ी सबसे पहले अपने प्रदर्शन के लिए छाया था तो वो गोस्वामी ही थे। लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन गोस्वामी ने 2008 में ही आईपीएल के लिए बेंगलुरु में खेलते हुए अपने पहले मैच में ही 50 जड़ दिया था। साथ ही उन्हें 2008 के एडिशन में काफी अच्छी प्रदर्शन के चलते यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों गोस्वामी बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल की क्रिकेट टीम के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा उस वक्त हुआ करते थे, इसलिए उन्हें टीम में जगह तो नहीं मिली, मगर बैट्समैन के तौर पर वे बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन कर एवरेज रहा करते थे। अब साहा नेशनल टीम का हिस्सा है तो जरूर वे बंगाल के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते होंगे। हमारा अगला नाम है तरुवर कोहली। दोस्तों अंडर 19 विश्व कप 2008 में दूसरे कोहली तरुवर पंजाब से थे। वो इस टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी थे। इसका नतीजा यह भी था कि उन्हें आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी जगह मिली और साथ ही दोस्तों वे पंजाब की घरेलू क्रिकेट टीम का भी हिस्सा है। हालांकि पंजाब की टीम में वो कई बार आते जाते रहते हैं। साल 2012 और 13 में ट्रिपल सेंचुरी जड़ कर वे चर्चाओं में तो आए, लेकिन उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाई। हमारा अगला नाम है अजितेश अर्गल। दोस्तों राइट आर्म पेस बॉलर अजितेश का 2008 के अंडर 19 विश्व कप में लाजवाब प्रदर्शन रहा था। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अपनी शानदार बॉलिंग के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला था। हालांकि दोस्तों इसके बाद वे बड़ौदा की टीम के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेलने लग गए थे और इसमें उनका प्रदर्शन भी काफी लाजवाब रहा करता था। फिर क्या, फिर उन्हें नौकरी मिल गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वे नौकरी कर रहे हैं। हमारा अगला नाम है नेपोलियन आइंस्टीन। दोस्तों अंडर 19 विश्व कप में खेलने गए नेपोलियन आइंस्टीन अपने खेल से ज्यादा नाम के लिए चर्चे में थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद नेपोलियन बाद में तमिलनाडु की टीम ए के लिए भी घरेलू क्रिकेट खेलने लग गए। साल 2008 में ही उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल टीम में भी जगह मिल गई, मगर वो कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। ऑलराउंडर नेपोलियन ने सीनियर लेवल पर भी काफी ज्यादा मैचेस नहीं खेले और साथ ही वे तमिलनाडु की टीम के लिए भी महज 3 बार ही मैदान पर देखे गए हैं, उसमें भी आखिरी 2014 में खेला था। हमारा अगला नाम है डी शिव कुमार। दोस्तों डी शिव कुमार वर्ल्ड कप खेलने गए तो थे, लेकिन मगर उन्हें वहां पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आंध्र प्रदेश के डी शिव कुमार को आंध्र प्रदेश की टीम के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका मिला। हालांकि यहां भी उनका प्रदर्शन एवरेज ही रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका बैटिंग एवरेज 18.19 का रहा था, जिसकी वजह से वे अपनी टीम में अच्छी खासी जगह नहीं बना पाते थे। पेरी गोयल। दोस्तों कुछ ही महीने पहले ही एक खबर इंटरनेट पर काफी फैल गई थी और अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के खिलाड़ी पटियाला की फास्ट फूड की दुकान चला रहा है। हालांकि यह अफवाह निकली। दोस्तों गोयल ने खुद ही इन खबरों को गलत बताया है, कहा कि वो अपने फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। दोस्तों इनके क्रिकेट की बात करी जाए तो गोयल वर्ल्ड कप के बाद मैदान में कमी देखने को मिले थे। घरेलू क्रिकेट में भी नहीं खेला इन्होंने उसके बाद। हालांकि उनका काम धंधा बढ़िया चल रहा है और वे अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे 14 खिलाड़ी जो भारतीय टीम के लिए 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए थे और जीत कर आए थे और आज वे इस पोजीशन पे हैं और ये कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी क्रिकेट फैंस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी अमेजिंग क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए।